तो गाइस ये है पहला डॉग जो कि मेरी गली के पास ही रहता है। आज मैं इन सबकी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जितनी भी डॉग को मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, उन सबकी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आज। तो गाइस आप देख सकते हैं आज बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बादल बादल हो रखे हैं आसमान में आज, और बारिश वाला मौसम सा हो रहा है हल्का फुल्का। और ये देख सकते हैं आप मेरे साथ दो डॉगीज और हैं, ये दोनों वैसे भाई हैं, और जो ये है सारी शुरुआत इसी से हुई थी, मेरा डॉग लव पंथी जो भी करता हूँ मैं डॉग के साथ इसी से शुरुआत हुई थी। इसका नाम है भोए भोए, और फ्रेश होने का टाइम भी हो चुका है सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये हैं, ये जो है इसका नाम है भोए भोए। सबसे पहले मुझे ये डॉग मिला था, मेरा पीछा करते करते रोज़ पार्क तक आने लगा था, उसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, उसके बाद ये भी साथ में आने लग गया, और इसके साथ एक और आती है, वो अभी आई नहीं हो। बाकी ये देखो कैसे सुपरमैन की तरह लेटा हुआ है, सुपरमैन नहीं बैटमैन थोड़ा ब्लैक होता है ना, सूट करेगा इसको। ये जगह उसकी है, देखने आए अपनी जगह। तो गाइस ये है आप देख सकते हैं मेरे साथ दोनों, अब तक मैंने आपको तीन डॉग्स दिखा दिए हैं, एक का नाम शेरू, और जो ब्लैक वाला है उसका नाम है रॉकी। फाइट फाइट फाइट, ऐसे कैसे, ये अपनी जगह हथियाने आया था। और ये जो आ रही है भागते हुए, इसका नाम है रानी, ये है इन दोनों की मदर। जाओ चढ़ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, इन दोनों की मदर है ये, इसका नाम मैंने रानी रखा हुआ है। तो आपको मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब मैं चलूँगा अगले स्टेप पे, जो कि है पार्क जाना। तो गाइस आप ये देख सकते हैं किस तरह बैठा हुआ है, ये देखो आगे का ध्यान मैं रख रहा हूँ, पीछे का ध्यान ये रख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा हो गया है, मेरी चप्पल टूट गई है राइट पैर वाली, ये देखो क्या हाल हो गया है इसका। इसको मैंने बहुत जुगाड़ लगाया आधे घंटे तक बैठ के, बट कुछ नहीं हुआ, तो अब दूसरी फेंक दूंगा मैं, और अब चलते हैं गाइस, नंगे पैर ही चलेंगे। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस नंगे पैर चलते हुए मुझे बहुत शर्म से आ रही है, बट चलता है तो चलता है यार, वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता तो अब क्या देगा, ये भी तो नंगे पैर ही है। ये गली के हैं, साथ में आते हैं रोज। गाइस ये जो है डॉग, इसका नाम पुष्पा का डॉग है, ये काफी ओल्ड है, बट किसी से डरता नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम पुष्पा रख दिया है। और ये जो है ये वाला, इसकी पूंछ बहुत लंबी है, इसका नाम मैंने स्वीटी रखा हुआ है, हालांकि ये मेल है लड़का है, बट स्वीटी मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख दिया। ये देखो कितना क्यूट है, ये देखो गाइस बिल्कुल छोटा सा पपी है। गाइस मेरा बहुत टाइम से छोटा पपी खिलाने का मन था, और ये मुझे मिल गया है आज, इसको खिलाऊंगा मैं। तुम तो वापस चले जाओ, अब जाओ वापस जाओ, अपने घर जाओ, हम तीनों जा रहे हैं। क्या सूंघने में लगा हुआ है उसको, हट वापिस जा मेरे पीछे मत आ, वापिस जा क्या करूँ गाइस, उनको ऐसे ही पकड़ना पड़ता है ड्रा ड्रा के, वरना वो घर तक आ जाते हैं पीछे पीछे, उसके बाद फिर बाकी कुत्ते उन पर अटैक करते हैं, तो मैं उनको बचा नहीं पाता।
मतलब ऐसा हुआ नहीं है कभी, मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं उनको पहले ही भगा देता हूँ। साइकिल आ गई, ब्रेक है इसमें, ब्रेक चल रही है। तो गाइस अब मैं नंगे पैर जा नहीं सकता, तो मैंने साइकिल ले ली, एक साइकिल पर जाऊंगा, अपने शूज पहन के वापस आऊंगा, फिर साइकिल छोड़ चला जाऊंगा। ये मेरा मास्टर प्लान, अब मैं जाऊंगा साइकिल पे, तुम सब आओ पैदल पैदल। तो गाइस ये देखो मैं साइकिल पे चल रहा हूँ अभी, और मेरे पीछे पीछे ये आ रहे हैं। अल्लाह फ्रेंड सकता हूँ, और गाइस ये भी मिल गया मुझे अभी, ये भी छोटा ही है अभी, कुछ महीने का ही है, एक दो महीने नहीं, तीन चार महीने। इसका नाम नूम रखा नहीं है मैंने, क्योंकि ये मुझे अभी दो तीन दिन पहले ही मिला है। और क्या हाल चाल है बड़े, ओए पूछ तो हिला दो। ये गाइस शूज़ पहन लिए, अब जा रहा हूँ साइकिल वापस करने, मुँह मत खोल अपना। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। अब मुझे जाना होगा गाइस। अभी जब मैं साइकिल छोड़ी मैंने पार्क में, तो पार्क में देखा मैंने पार्क के अंदर एक छोटा सा गाय का बछड़ा, वो अंदर आ गया था, और तीन चार गाय बड़ी बड़ी बाहर खड़ी थी, और बाहर से उसको आवाज़ लगा रही थी कि बाहर आ जा, बट वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि पार्क के चारों ओर बैरिकेड से लगे हुए हैं, खुद तो निकल नहीं पा रहा था वो। तो फिर मैं अकेला चला गया उसकी हेल्प करने के लिए, 5-10 मिनट तक मैं अकेला हेल्प करता रहा, बट हुआ नहीं। फिर जैसे ही कुछ लोगों ने देखा मुझे कि हाँ बढ़िया काम कर रहा है, तो बाकी लोग भी आ गए हेल्प करने के लिए, और फिर उसे देख के और लोग आ गए, तो ऐसे देखते देखते 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, और हम सब ने मिल के फाइनली वो निकाल ही दिया। तो फिर मुझे पता चला कि आज यार कुछ अच्छा काम करो, तो टेंशन मत लो अगर आप पहले अकेले हो, बाद में आपके साथ थोड़ी थोड़ी पब्लिक जुड़ती रहेगी, और आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो गाइस जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ख़त्म, ये व्लॉग इसी से शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है व्लॉग मेरा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।